तरह से आवेदिक और संवैधानिक कार्रवाई है, जिस तरह से पूरे रूप से जो है परिपूर्ण कार्रवाई है, एक तरह कार्रवाई नहीं, इसको कार्रवाई नहीं किसी भी लॉ के फ्रेम में ये कार्रवाई नहीं आती। इन्होंने ना नोटिस दिया है, ना कोई जो है हमको मौका दिया है। ये मकान जो बना हुआ है, आप लोग की जानकारी बता दूँ, ये 70 साल पुराना मकान है, जबकि अर्बन डेवलपमेंट एक्ट एग्जिस्टेंस में भी नहीं था, और ना ही यहाँ पर एडी आया था, सबका ये मकान है। अगर मान लीजिए आपका कहना है कि मैप नहीं है, तो मैप नहीं तो आप 27 के तहत हमको मौका देंगे, कार्रवाई देंगे, करेंगे। पूछा जा रहा है एडी अधिकारी ऊपर, कह रहे हमने कार्रवाई पूरी कर ली है, सारी पत्रावली हमारी कंपनी बनाई, और ऐसा नहीं है कि पूरे एरिए में किसी का नक्शा नहीं होगा। हमारा कहने का मतलब नहीं कि किसी और का मकान नहीं है, ये मकान दे रहा है, लेकिन ये पूरी शरीयत अहमद के विरुद्ध जो है शत्रुता निभाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 3 आदमी को टारगेट करके कार्रवाई हो रही है, सिर्फ इनको जो है एक डेंट लगा है, एक वर्ग विशेष से, उस डेंट को पूरा करने के लिए एक वर्ग विशेष के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए कि देखिए हम ये भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये पुश्तैनी मकान है, और ऐसा जुल्म तो कभी जो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी क्रांतिकारियों के साथ नहीं हुआ है, ये जुल्म किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, अतीक अहमद साहब के नाबालिग बच्चे हैं, उनकी वाइफ हैं, श्री अशरफ की नाबालिग बच्चे, उनके सब बच्चे सब गोदी में हैं, सब जो है सब बाहर निकाल दिया गया। तो सारा सामान बहुत कम निकालने दिया गया, बाकी सामान समेत इसको दबा दिया गया है। बहुत ही निर्दयतापूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है, पूरी तरह असंवैधानिक है, आदि दिखाई 500 लकड़ी।